नमस्कार, मैं योग गुरु राजेश। कोरोना वायरस एक महामारी बन चुका है और इस महामारी के समय में आपके पास केवल दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता है जो आपको आपके स्वास्थ्य से जोड़ता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, वो है प्रतिदिन योग का अभ्यास करें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, अपने आहार को आयुर्वेद के अनुसार लें, अपनी प्रकृति के अनुसार लें और अपने आप को तनाव रहित रखें, ठीक से नींद लें, समय पर उठें और पानी की मात्रा ठीक से सेवन करते रहें। क्योंकि आपकी इम्यूनिटी यदि बढ़ेगी तभी आप कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। यदि संक्रमण हो भी जाता है तो आपका वो कोरोना संक्रमण कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक से दो सप्ताह में आपकी बॉडी की इम्यूनिटी उसे किल कर देती है। ये जो हमारे शरीर का जो सिस्टम है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। परमात्मा ने इसको इतना ऑटोमेटिक और इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, इतना मजबूत बनाया है कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस इसको प्रभावित नहीं कर सकता। लाखों वायरस आपके आसपास रहते हैं, आपकी बॉडी पर उनका अटैक होता रहता है लेकिन आपको पता भी नहीं चल पाता, आपकी बॉडी आपको कोई सिम्टम्स भी नहीं देती, 2400 घंटे काम करती रहती है आपके प्रोटेक्शन में। बॉडी की जो इनिट सेल है, इनिट इम्यूनिटी, वो 2400 घंटे काम करती, कभी नहीं थकती न रुकती। कोई भी वायरस यदि अटैक करता है तो इनिट इम्यूनिटी उसको तुरंत नष्ट कर देती है और यदि उससे वायरस बच भी जाए, कोई वायरस स्ट्रॉन्ग वायरस है उससे बच जाए तो एडप्टिव इम्यूनिटी उसको किल कर देती है। एडप्टिव इम्यूनिटी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाती है जो किसी भी तरह के वायरस या बैक्टीरिया से आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप निश्चिंत रहें, बस योग करें नियमित रूप से और तनाव से मुक्त रहें। दूसरा रास्ता है कि आप तनाव में रहें, डरें और अपनी इम्यूनिटी को ख़राब कर लें, जो अक्सर अधिकांश लोग यही कर रहे हैं कि वो इतना डरे हुए हैं कि अपने स्वास्थ्य के साथ वो स्वयं खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप जितना डरते हैं उतना ही आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है। कुछ ऐसे लोग जो अभी वैक्सीन के इंतज़ार में हैं कि वैक्सीन आएगी तभी हम सांस ठीक से लेंगे, तभी हम अपने इस डर से बाहर निकलेंगे, तो मैं उन सबको यह बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन किसी भी वायरस का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। पहली बात तो वैक्सीन को बनने में समय लगता है। कोविड 19 एक नया वायरस है, अभी इसकी वैक्सीन बनने में लगभग 1 से 2 साल तक का समय लग सकता है। और मज़े की बात यह है कि जब तक वैक्सीन बन के आए और आप उसके इंतज़ार में बैठे रहें, डर के रहें, तनाव में रहें, पता चले कि जब तक आप तक वैक्सीन पहुँचे तब तक एक नया वायरस एक नए रूप में आ जाए। विदेशों से यात्रा करके जो वायरस भारत पहुंचते हैं, भारत में वायरस नहीं पनपते, यहाँ के एटमॉस्फेयर में वायरस टिक ही नहीं पाते, लेकिन कई बार जो लोग बाहर से ट्रेवल करके इंडिया आते हैं उनके साथ वो संक्रमण यहाँ फैल जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप वैक्सीन के भरोसे बिल्कुल मत बैठें। आप आज ही से अपने इम्यूनिटी पर काम करें। जो हमारे पूर्वजों के, जो हमारे ऋषियों के बताए हुए जो संस्कार हैं उनको जीवन में अपनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और नियमित रूप से योग का अभ्यास करें। देखिए, हमारे यहाँ जो संस्कार की हम बात करते हैं कि खाना खाने से पहले और खाने के बाद हाथ धोना, हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं। हमारे संस्कार ये नहीं सिखाते कि आप डाइनिंग टेबल पर बैठे और वहीं से टिश्यू पेपर उठाए और हाथ क्लीन किया और वापस वहीं रख दिया।
हमारे संस्कार सिखाते हैं खाना खाने से पहले अच्छी प्रकार से हाथ धोना, जो आज आप कोरोना वायरस के संक्रमण कर रहे हैं। हमारे संस्कार सिखाते हैं खाना खाने के बाद कुल्ला करना। हमारे संस्कार सिखाते हैं गरारे करना, समय पर सोना और नियमित रूप से सुबह उठकर योग का अभ्यास करना, ध्यान का अभ्यास करना, ताकि आपका मन तन और आत्मा शुद्ध रहे और शुद्ध और पवित्र स्थिति में कोई भी वायरस प्रभावित नहीं कर सकता आपको, आप पर कोई भी वायरस आक्रमण नहीं कर सकता। और यदि कर भी दे तो वो वायरस को खतरा है, आपको खतरा नहीं है। तो अपने संस्कारों को अपनाएं, अपने पूर्वजों के बताए हुए मार्गों पर चलें। अभी लॉकडाउन है, ये आपके लिए एक सुंदर अवसर है, एक सुनहरा मौका है कि आप अपने घर में अपने बड़ों से बात करें, उनसे पूछें कि किस तरह से वो रहते थे, किस तरह से वो जीवन जीते थे, और अपने पूर्वजों के समान उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करें, यही आपके लिए अच्छा है। बहुत सारे हम योग पर वीडियो दे रहे हैं, तो कोरोना वायरस से आप कैसे संक्रमण से बच सकते हैं, इसके लिए प्राणायाम पर हमने वीडियो बनाई है, आसन कौन कौन से करें और खाने में आप क्या क्या लें, इस पर एक वीडियो पूरे विस्तार से हमने बनाई है, तो उनको आप ज़रूर देखें और इन सब चीज़ों का पालन करें। आप सभी लोग पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें, ताकि जो लोग घर में बैठे डर रहे हैं, एक डर उनको अनेकों रोगों को उत्पन्न कर रहा है, तनाव की स्थिति में ले जा रहा है, उनको कुछ राहत मिले। तो आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अपने भारत के संस्कृति और संस्कारों पर गौरव करें, उसका अनुसरण करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।